Hello students, how are you? Everyone is fine? Okay. ये 12th maths RBSE की exercise number 6.2 का 10th question है. Function fx equals to 1 plus sin x जबकि x वैल्यू 0 से ज्यादा और pi by 2 से कम हो और 2 plus x minus pi by 2 का whole square जबकि x की वैल्यू pi by 2 के इक्वल या उससे ज्यादा हो. तो इसमें x equals to pi by 2 पर मेरे को अवकलनीयता का परीक्षण करना है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश एट पॉइंट पाई बाई टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ पाई बाई टू अपॉन माइनस एच. अब वैल्यू कलेक्ट करते हैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 बहुत केयरफुली ध्यान रखें f पाई बाय 2 माइनस h पाई बाय 2 से कम. पाई बाय 2 से कम के लिए फंक्शन यही यूज होगा. इसमें जहां x है ना वहां पर पाई बाय 2 माइनस h रख दें sin ये पाई बाय 2 माइनस h माइनस f पाई बाय 2 तो x पाई बाय 2 के इक्वल इसमें है तो यहां पर जहां x है वहां पाई बाय 2 रखें तो मेरे पास आ जाएगा ये तो आ जाएगा 2 प्लस यहां अगर पाई बाय 2 रखूंगा तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 और 0 का स्क्वायर 0 अपॉन माइनस एच. सिंपलीफाई करें लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा दिखता होता है कॉस थीटा यहां एच है तो क्या हो जाएगा कॉस एच और ये माइनस का 2 अपॉन माइनस एच. यहां पर जल्स किस तरह के आ रहे हैं देखो एच टेंड्स टू 0 ये हो गया कॉस एच और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन माइनस एच. कॉस एच को हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एच का हाफ एंगल फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 एक माइनस 1 पहले बड़ा है ये माइनस का एच ये हमारे पास माइ 1 और 1 कैंसिल आउट तो लिमिट क्या आएगा एच टेंड्स टू 0 यहां पर आ गया माइनस का 2 साइन एच बाय 2 और एक साइन एच बाय 2 दो बार लिख दिया मल्टीप्लाई में इसको स्क्वायर था ना और ये मेरे पास है माइनस एच माइनस माइनस हटा दें ये देखो ये h by 2 है यहां सिर्फ h है तो मैंने क्या किया इस 2 का डिवाइड और यहां 2 का मल्टीप्लाई कर लो 2 से 2 कैंसिल आउट. अब लिमिट अप्लाई करो तो sin थीटा है और ये थीटा है ना तो sin h by 2 अपॉन h by 2 जब h टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 into यहां पर अगर वैल्यू रखेंगे किसकी h टेंड्स टू 0 है ना तो h 0 रखेंगे ना तो sin 0 आ जाएगा 0 तो 1 इंटू 0 मेरे को क्या जीरो मिलेगा इसका 0 मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का. इसी तरह से मेरे को आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है इसमें कॉपी कर लो इसको अभी तक स्टूडेंट्स जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक वीडियो अपडेट्स बहुत फास्ट मिल सके पहुंच सके. आर एट एक्स पाई बाय टू इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच माइनस ऑफ एफ पाई बाय 2 अपॉन ये प्लस का एच. वैल्यू कलेक्ट करते हैं इसकी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई बाय 2 प्लस एच मतलब पाई बाय 2 से ज्यादा एक्स पाई बाय 2 ज्यादा इसमें है तो ये वाला वैल्यू फंक्शन की काम आएगी 2 प्लस एक्स जगह पर पाई बाय 2 प्लस एच रखें एंड माइनस पाई बाय 2 और ये होल स्क्वायर माइनस एफ पाई बाय 2 निकालने के लिए पाई बाय 2 पुट कर दें तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा सिर्फ 2 आएगा अपॉन एच. ये पाई बाय 2 कैंसिल लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस ये सिर्फ एच है यहां पर
पाई बाय टू कैंसिल हो गया था और ये ऊपर स्क्वायर है तो कर दो एच स्क्वायर माइनस टू अपॉन एच टू से टू कैंसिल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर अपॉन एच खाली एच बचेगा लिमिट अप्लाई करने से वैल्यू जीरो आ जाए। तो इसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो थी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई जीरो आ गई मींस एल एफ डैश पाई बाय टू इज इक्वल्स टू आर एफ डैश पाई बाय टू दोनों इक्वल है देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू मीन्स दिया गया फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पर क्या है अवकलनीय है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखें थोड़ा सावधानी पूर्वक करें ताकि कोई प्लस माइनस की मिस्टेक बिल्कुल नहीं हो। मैथमेटिक्स में प्लस माइनस का केयरफुली ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों को बताएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। All the best.